नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, जयराम सिंह ने मोदी व योगी पर जमकर तारीफ किए और कांग्रेस पर जमकर विरोध किए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसटी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा आमघर के निवासी पूर्व प्रधान जयराम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का जमकर तारीफ किए और बोले कि मोदी व योगी जनता के लिए कार्य करते हैं और जयराम सिंह ने कांग्रेस पर जमकर विरोध किए और बोले कि कांग्रेस देश विरोधी है। आए सुनते हैं जयराम सिंह क्या कुछ बोले। मैं जयराम सिंह, ग्राम आमघर। भाजपा के नीतियाँ आपको कैसी लगती है? भाजपा की नीतियाँ क्या, हर राष्ट्रवादी को अच्छा लगता? पूरा देश आज मोदी जी से काफी प्रभावित। जी, तो आप उनके कार्य किस रूप में देखते हैं? उनका हर कार्य अच्छा, राष्ट्र को गति देने वाला। इसी में बहुत लोग कहते हैं देश के साथ देश को बेच रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, उसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा। हमारा देश पहले अन्न पर भी अफ्रीका विदेशों छोटी छोटी मिसाइलें लड़ाकू विमान जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, आज हमारा देश बना रहा है और विश्व के शक्तिशाली देश जो आज इच्छा करते हैं भारत में तेजस वगैरह मिसाइल और मोदी जी की कोई आलोचना करता है तो समझ जाइए कि वह आलोचक व्यक्तिवादी है। किसी लोभ में, किसी क्षोभ में आदमी गलत है, उसकी जेब नहीं भर रहा है। इसलिए मोदी जी और या योगी जी, अमित शाह जी लोग अभी देख रहे हैं बिहार में सत्ता पलटने की घूमघाम शुरू हो गई है। हाँ, बिहार में इसका कारण यह है कि नीतीश जी शुरू से प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब है और वह मोदी जी को पचा नहीं पा रहे, जबकि आज तक उनके ही मर्जी पे ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। जो भी कुछ है नीतीश जी के नाम, लेकिन अपना महत्वाकांक्षा उनकी है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जबकि नीतीश के पास का कुछ नहीं। अब ये कांग्रेस के सोनिया गांधी का कहना है देश को तबाह कर रही है। कांग्रेस तो घुसता हुआ दीपक है जिसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस तो क्षेत्रीय दलों से भी बदतर पोजीशन है। सोनिया और राहुल की जहां तक बात है तो सोनिया राहुल एक यह कंपनी जिस तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कांग्रेस ने जितना किया लूटा पाटा, अब वो चलने वाला नहीं है। देश के जागरूक जनता समझ चुकी है और सोनिया जी के पास का नहीं है। कुछ लोग सोनिया जी के भी अनुयायी हैं और राहुल, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह लोग जो अनुयायी हैं किस दिमाग के हैं, क्यों हैं पिट्ठू बने हुए हैं जिसके पास कोई राष्ट्र की नीति न हो। आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं तो क्या, किस उद्देश्य से आप जुड़े हुए हैं? तमाम लोग ये जुड़ते हैं हम भाजपा से जुड़ेंगे तब ये लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा। मैं लाभ के लिए नहीं, और मैं किसी दल से जुड़ा रहा, कोई भी दल अगर कि मेरे समझ में आएगा कि राष्ट्र का विकास कर सकता है, कोई व्यक्ति मुझे प्रतीक होगा कि राष्ट्रीय देश को आगे ले जाएगा उसी दल का। आज के समय में मोदी के अलावा कोई देश का कोई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल नहीं जिसके पास कोई मिशन हो। पूरे हिंदुस्तान के सभी दलों का, विपक्षी दलों का एक ही निशाना है, मोदी हटाओ। मोदी के कार्यों का वर्णन न करके उनके रोज रोज उनमें नुकसान निकालना काम है, जबकि कहीं जगह नहीं है। क्योंकि मोदी और योगी आलोचना करने वाला शैतान ही न होगा, ये छोटे बेईमान, इन सबों के पास जिसके पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए, रहने के लिए घर नहीं था, यह हेलीकॉप्टर और तनख्वाह भी जो मिल रहा है वो अभी राष्ट्र के लिए ही समर्पित कर रहे हैं। ऐसे आदमी का शिकायत करने वाले के ऊपर समय नुकसान न किया गया, ये हरामखोर है सब। इन सबों को इन चोटों को मिल नहीं रहा है चुराने को और हरामखोराई करने का, इसलिए ये बेहुदा बेहुदगी पर कर रहे हैं। भारत की जनता में कमी नहीं है तो नहीं तो इन सबों को तो बोली नहीं खेलाबाजी से मार देना चाहिए कि साले सब कबाड़ा समाप्त हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।